गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रैक्टिसिंग मैथ्स डेली. सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज न्यू टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम. इसके पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में जो टॉपिक कवर करे हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट नंबर, सब्ट्रैक्टिंग अक्रॉस जीरोज, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर एंड मिसिंग डिजिट्स. टुडेज टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम. आज हम लोग सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे. सो हेयर आई एम रिटन वन एग्जाम्पल, दैट इज सारा एक अर्न्स रुपीज 6955 मंथली एज अ सैलरी. सारा पर मंथ रुपीज 6955 अर्न करती है, मतलब उसकी इनकम 6955 है. शी सेव्स रुपीज 1565 और हर महीने पर मंथ वो 1565 सेव कर लेती है, बचत कर लेती है, बचा लेती है अपने मंथली इनकम में से. व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर? सो हेयर वी हैव टू फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर, कि वो हर महीना कितना रुपए खर्च करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होती है, लाइक सारा मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू रुपीज 6955. शी सेव्स पर मंथ इज इक्वल्स टू रुपीज 1565. सबसे पहले हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे, या वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है. सारास मंथली सैलरी, सारा की मंथली सैलरी कितनी है, 6955, एंड शी सेव्स पर मंथ रुपीज 1565. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रुपीज 6955 माइनस रुपीज 1565. लाइक एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि पर मंथ आपको 100 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिलती है. कितनी? 100 रुपीज. आप स्कूल की कैंटीन में लंच में कुछ ना कुछ खाकर, या कुछ भी आपको जो स्टेशनरीज हैं कुछ भी परचेज करना है, आप उसमें से जो भी खर्च करते हैं उसके बाद मंथ के लास्ट में आपके पास 20 रुपीज बच जाते हैं, आप सेव कर लेते हैं सारे खर्चों के बाद, है ना. आपको पॉकेट मनी कितनी मिली? 100 रुपीज. आपने सेविंग कितनी की? 20 रुपीज की. क्लियर? और अब आपको फाइंड क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कि आपने पूरे महीने कितना खर्च किया. सो क्या करेंगे उसके लिए हम, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 20. हमें जितनी पॉकेट मनी मिली और हमने जितना सेविंग की उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 100 माइनस 20 गिव्स यू 80. तो 80 रुपीज क्या थी आपकी एक्सपेंसेस, आपने इतना एक्सपेंडिचर किया पर मंथ. ठीक, ये छोटा सा एग्जाम्पल था. इसी तरह से ये जो बड़ी डिजिट है, फोर डिजिट है, यहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है, सारा की अर्निंग के बाद, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. हर मंथली एक्सपेंडिचर, यहाँ भी टोटल सैलरी थी कि एक महीने में, वन मंथ में उसको इतने रुपीज मिलते हैं. सेकेंड इज पर मंथ वो इतना सेव कर लेती है. एंड द लास्ट क्या हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हर एक्सपेंडिचर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी टोटल सैलरी से सेविंग को लेस कर देंगे. हेयर वी हैव टू अरेंज दीज टू अमाउंट इन अ वर्टिकल कॉलम लाइक दिस, 6955 माइनस 1565. 5 minus 5 0, 5 minus 6 नॉट पॉसिबल. हम क्या करेंगे, 9 7 कैरी लेंगे. नाउ दिस 5 बिकम्स 15 और 9 के पास क्या बचे, 8. 15 minus 6 गिव्स यू 9. 8 minus 5 3 एंड 6 minus 1 5. सो
हर मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 5,390। वो हर महीने अपने सैलरी से कितना रुपए खर्च कर देती है, कितने अमाउंट, रुपीज 5,390। सबसे लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखते हैं आंसर लाइक दिस, रुपीज 5,390 और साराज मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 5,390। ये लास्ट में स्टेटमेंट होगा आंसर का। आंसर इज साराज मंथली एक्सपेंडिचर इज 5,390। ये लेस करने के बाद हमने कैलकुलेट किया कि पर मंथ सारा कितने रुपए खर्च करती है, अमाउंट है रुपीज 5,390। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1,307। किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 1,307। इफ द लार्ज नंबर इज 9577, अगर उसमें से बड़ा वाला नंबर, द लार्ज नंबर इज 9577, फाइंड द स्मॉलर वन। आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर लाइक दिस। सपोज कोई दो नंबर थे, ये हमें नहीं पता, जिनके बीच का डिफरेंस था 11। क्लियर? नाउ इफ द लार्जर नंबर इज 20, फाइंड द स्मॉलर नंबर। हम लोगों ने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन बताए थे। लाइक सबसे पहले जो नंबर लिखते हैं दैट इज ग्रेटर नंबर, और वी कैन से दैट माइन्यूएंट। क्लियर? जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कहलाता है माइन्यूएंट, या उसमें हम ग्रेटर, सिंपल लैंग्वेज में ग्रेटर नंबर भी कहते हैं। देन माइनस सेकेंड डिजिट, जो छोटा नंबर होता है, जो वर्टिकल कॉलम में हम ऐसे लिखते हैं एक के नीचे एक, जो सेकेंड नंबर पे आता है दैट इज नोन एज सब्ट्रैहेंड, और सिंपल लैंग्वेज में स्मॉलर नंबर। एंड फाइनल आंसर इज नोन एज डिफरेंस। क्लियर? ऐसे ही एक छोटे एग्जांपल से हम इसको क्लियर समझते हैं कि नहीं, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स ये जो आंसर आता है डिफरेंस इज 11। कोई दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 11। इफ द ग्रेटर नंबर इज 20, अगर उन दो नंबर में से एक नंबर हमें पता है, लेकिन कौन सा, ग्रेटर नंबर, माइन्यूएंट ग्रेटर नंबर 20 है, देन फाइंड द स्मॉलर वन। आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, ग्रेटर नंबर माइनस डिफरेंस। हम बड़े वाले नंबर से डिफरेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द स्मॉलर वन। 20 माइनस 11 गिव्स यू 9, सो 9 इज द स्मॉलर नंबर जो हमें फाइंड करने को कह रहा है। अब इसको चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, 20 माइनस 9 11 आता है, यस इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, लाइक हमारा क्वेश्चन ये है, डैश माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1,307। कोई दो नंबर है जिनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1,307 आता है। इफ द लार्जर नंबर इज, अब उनमें से हमें एक नंबर पता है पहले से, द लार्जर नंबर इज 9577, 9577, फाइंड द स्मॉलर वन। ये इक्वेशन बन गई, हमें इसमें से क्या करना है, स्मॉलर मीन्स सब्ट्रैहेंड को फाइंड करना है। ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 9577, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1,307 माइनस,
यही किया था हम लोग ने अभी। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर से हम डिफरेंस को माइनस करेंगे। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 0 गिव्स यू 7, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 1 8। सो द स्मॉलर नंबर इज 8 2 7 0। इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे आपको वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 9577, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1307 माइनस, अब इन दोनों को जब माइनस किया स्मॉलर नंबर इज 8270। लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट आंसर लिखकर 8270 इज द स्मॉलर नंबर। क्लियर स्टूडेंट? सो आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.8 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 66। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।